पहला, जंगल में लगी आग न्यू इंग्लैंड और पूर्वी कनाडा के आसपास क्षेत्रों में वो धुआं था, घोर जो था बहुत गहरा कोहरा था और उस कोहरे के साथ साथ बादल भी थे। अब ये तीन चीजें जो थी वहां पर छाई हुई थी, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य कमल के समान काला नहीं हुआ था, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के सात खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और सात मोहरबंद पुस्तक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 पद से लेकर 13 पद से सीखा था और ये छठी मोहर थी और इस छठी मोहर में हमने सिर्फ भूकंप के बारे में सीखा था। आज हम फिर इन्हीं पदों में सीखेंगे परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर का वचन और क्या घटनाओं के बारे में इस छठी मोहर के साथ वर्णन करता है या यूहन्ना को दिखाता है कि इस पृथ्वी पर छठी मोहर के खुलने से और क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। पहले हम इस पदों को पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 12 से 13 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। जी हाँ, पिछले संदेश में हमने भूकंप के बारे में सीखा था, परंतु आज हम जो है इसके अंदर सीखेंगे कि छठी मोहर जब खुलती है तो यूहन्ना क्या देखता है कि सूर्य जो है कंबल के समान काला हो गया और पूरा चंद्रमा जो है लहू के समान लाल हो गया। और तीसरा इसमें जो पॉइंट है वह है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। जब आंधी पानी तूफान वगैरह आता है, आपने देखा होगा कि बहुत से पेड़ों के फल जो है वो झड़ जाते हैं, परंतु यहां पर जो है सूर्य कंबल के समान काला हो गया। अभी ये छठी मोहर जो है ये पूरी नहीं हुई है, खुल गई है, मोहरें जो हैं वो खुल तो गई हैं और यूहन्ना उन मोहरों के अंदर जो है, खासतौर से छठी मोहर और सातवीं मोहर की हम बात करेंगे कि यूहन्ना क्या देख रहा है। यूहन्ना उन घटनाओं को देख रहा है जो इस पृथ्वी पर घटित होने वाली हैं या जो इस पृथ्वी पर लोगों पर जो है, इस पृथ्वी के लोगों पर जो है वो घटनाएं पड़ने वाली हैं, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं, जो भी हैं ये। तो यहां पर जो है जब छठी मोहर खुलती है तो यूहन्ना उस छठी मोहर के साथ साथ क्या देखता है, भूकंप को तो देख रहा है जो हम पिछले संदेश में उसका वर्णन कर चुके हैं, परंतु यहां पर अब यूहन्ना क्या चीज और देख रहा है कि सूर्य जो है वो कंबल के समान काला हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य जो है वो कंबल के समान काला हो गया। ये बहुत से चर्च के लोग, बहुत से लोग इस बात को वर्णन करते हैं कि सूर्य जो है वो कंबल के समान एक बार काला हो चुका है, यानी छठी मोहर पूरी हो चुकी है। मगर ये जो शिक्षा है ये पता नहीं कहां से आई है और किस तरीके से आई है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि अगर सूर्य या बाइबल के अंदर जो प्रकाशित वाक्य के अंदर विशेष तौर से जो घटनाओं का वर्णन दिया गया है वो पूरे संसार के ऊपर घटित है, या मान लीजिए सूर्य की बात है तो सूर्य में ही अंधकार होगा, किसी और चीज में नहीं होगा। वहां का प्रकाश जो है पूरे संसार के ऊपर, सूर्य का प्रकाश जो है वो फैलेगा नहीं, या अगर किसी विशेष देश की बात होगी तो वो सूर्य के अंदर के प्रकाश की बात होगी। ऐसा नहीं है कि बादल ने उन्हें छा लिया या किसी और चीज से वो ढक गया तो हमने उसको अंधकार मान लिया। चलिए इसको देखते हैं। बहुत से जो कलीसिया के लोग हैं, बहुत से लोग जो हैं जो वर्णन करते हैं 19 मई 1780 में, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको डेट दे रहा हूं, 19 मई 1780 में सूर्य जो था वो कहते हैं कि कंबल के समान काला हो गया। भाई कहां हो गया था, किस जगह हो गया था? अगर आप बारीक से इतिहास पढ़ेंगे तो एक जगह वर्णन ये मिलता है, न्यू इंग्लैंड और पूर्वी कनाडा के आसपास क्षेत्रों में 19 मई 1780 में लगभग सुबह 10 से 11 बजे के बीच जो है पूर्वी कनाडा और न्यू इंग्लैंड में जो है एकदम घोर अंधकार छा गया।
बहुत गहरा अंधकार छा गया, और इतना गहरा अंधकार मतलब पूरी दोपहर में भी छा गया कि लोगों को अपने घरों में मोमबत्तियां जलाकर रखनी पड़ी या लालटेन जलाकर जो है वो रखना पड़ा प्रकाश के लिए, क्योंकि इतना अंधकार जो था वो छा गया। अब इस घटना को बहुत से धर्म के ठेकेदारों ने क्या जोड़ दिया, छठी मोहर से जोड़ दिया कि साहब छठी मोहर खुल गई है और छठी मोहर पूरी हो गई है। छठी मोहर खुल जरूर गई है, मैं देखिए शुरू से एक चीज बताता आ रहा हूं छठी मोहर के बारे में कि छठी मोहर खुल जरूर गई है परंतु पूरी नहीं हुई है। और इस पृथ्वी पर जो घटनाएं छठी मोहर के खुलने से घटित होंगी वो यूहन्ना देख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 19 मई 1780 में जो घटना घटित हुई है न्यू इंग्लैंड और पूर्वी कनाडा के आसपास के क्षेत्रों में, उसका कारण क्या था, क्या मतलब कारण था कि एकदम इन क्षेत्रों में घोर अंधकार छा गया और इतना घोर अंधकार छा गया कि लोगों को अपने घरों में मोमबत्ती कैंडल या लालटेन वगैरह जला के रखनी पड़ी। हुआ क्या था कि उनके क्षेत्रों में घोर अंधकार का कारण, सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां के जंगल में लगी आग और उससे जो गहरा धुआं जो उठ रहा था पूरे आसपास के इलाकों में, घोर जो धुआं था वो पूरा छा गया था। और उसके छाने के बाद और उसके साथ साथ एक चीज और भी थी कि वहां पर जो था बड़ा घना कोहरा था और बादल रहने के कारण जो था घोर अंधकार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहला जंगल में लगी आग जिससे पूरे न्यू इंग्लैंड और पूर्वी कनाडा के आसपास क्षेत्रों में वो धुआं था, घोर जो था बहुत गहरा कोहरा था और उस कोहरे के साथ साथ बादल भी थे। अब ये तीन चीजें जो थी वहां पर छाई हुई थी जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य कमल के समान काला नहीं हुआ था, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा था क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश वैसे ही चमक रहा था, परंतु सूर्य का प्रकाश जो था इन सब कारणों के कारण उनके उस पृथ्वी तक यानी उन इलाकों तक नहीं पहुंच रहा था। आपने देखा होगा जब आपके इलाके में या आपके शहर में या किसी भी जगह आप रहते हैं, जब घोर बादल छा जाते हैं, काली घटाएं छा जाती हैं या वैसे भी मामूली बादल भी छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आता है। तो यहां पर सूर्य कंबल के समान काला नहीं हुआ। आप देखें तो आप कह क्या रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सूर्य जो है वो कंबल के समान काला हो गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि सूर्य ने अपना प्रकाश देना बंद कर दिया। अब यहां पर सूर्य ने अपना प्रकाश नहीं देना बंद किया, सूर्य का प्रकाश तो चल रहा है, परंतु ये सारी चीजें जो है 19 मई 1780 में जो घटना घटित हुई है न्यू इंग्लैंड और पूर्वी कनाडा के आसपास के क्षेत्रों में, ये सूर्य के कंबल के समान काला होने के कारण नहीं हुआ है, उसका चीज अलग है। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है और जो कह रहा है उस पर ध्यान देना है। अब परमेश्वर का वचन जब सूर्य के बारे में बात कर रहा है तो सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा और इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है वो आना बंद हो जाएगा। उस समय कोई बादल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई कोहरा नहीं होगा, सूर्य जो है बीच आसमान में चमकता होगा और एक-एक उसका प्रकाश जो है वो जाता रहेगा, उसका वो प्रकाश देना बंद कर देगा, उसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर आना बंद कर देगा, कोई रुकावट नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए जो इन बातों को मानते हैं या इस तरीके से परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं वो झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि वो ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो परमेश्वर के वचन का हमें कितना ज्ञान है और परमेश्वर का वचन जो है पूरा हो चुका है, ये हम आपको बता रहे हैं। आप गलत क्यों बता रहे हो, आप सही चीज बताओ ना जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों आप गलत चीज बनाकर आप झूठे भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं? आप सोचते हैं कि हम कुछ भी दुनिया को बता देंगे, कुछ भी लोगों को बता देंगे वो मान लेंगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने भेदों को जो है वो बिल्कुल अपने लोगों पर खोलता है और उतारता है और सही चीज जो है वो समय के अनुसार प्रकट करता है और कहता है अपने बच्चों से, मेरे बेटे मेरी बेटी ये जो बात कही गई है ये गलत है, ये मेरे वचन से नहीं है, मेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, 13 अध्याय उसका 10 पद पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते
अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। अब देखिए यहां पर क्या है, आप तारों को चमकते हुए देखते हैं, आप ग्रहों को चमकते हुए देखते हैं, आप सूर्य को प्रकाश देते हुए देखते हैं, आप जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा में भी आप प्रकाश को देखते हैं, तो ये इनका जो है सबका प्रकाश खत्म हो जाएगा, सबका। यानी सूर्य भी जब उदय होगा तो वो प्रकाश के साथ ही उदय होता है, जिस जगह पे उदय होता है तो वहां क्या होता है, सूर्य का प्रकाश फैलने लगता है। तो वो जब उदय होगा अपने प्रकाश के साथ, तो उदय होते होते उसका प्रकाश क्या होगा, खत्म हो जाएगा और सारी दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा। यशायाह नबी जो है इस बात का वर्णन करता है। चले योल नबी उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद पढ़ते हैं। उनके आगे आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। तारे नहीं झलकने का मतलब टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि प्रकाश खत्म हो गया, सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया, चांद का प्रकाश खत्म हो गया। अभी योएल नबी जो है और बात कहता है, देखिए योएल नबी का 2 अध्याय का अब 31 पद पढ़ रहा हूं। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन जो है भविष्यवाणी कर रहा है, यशायाह नबी योएल नबी सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा। और यहां जो है जो 6वीं मोहर के अंदर लिखा है कि सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, तो मतलब वहां सूर्य की बात है। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है तब अंधेरा हो जाएगा। ऐसे तो अगर हम मान लीजिए बादल और बदली और घोर कोहरे की बात छोड़ दीजिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है और कहीं कहीं पर तो इतना भयानक सूर्य ग्रहण पड़ता है कि दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्योंकि खुद हमने अपनी आंखों से देखा है दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि सूर्य कंबल के समान काला हो गया? वो एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। वो उसका जो है इस वचन से कोई लेना देना नहीं है कि सूर्य कंबल के समान काला हो गया। मैं फिर बता रहा हूं कि जब सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, जब सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा, तो वहां पर कोई भी चीज, ना तो सूर्य ग्रहण होगा उस समय, और ना ही कोई बादल होगा, ना ही कोई कोहरा होगा, और ना किसी जंगल में आग लग के धुआं जो है वो उसको अंधकार कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूर्य चमक रहा होगा और चमकते चमकते उसकी रोशनी अपने आप खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का वचन जो है वो ये बात सिखा रहा है और ये बात हमें समझनी चाहिए। ये नहीं है, वो कहता ना नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। हम लोग अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के वचन का वर्णन करने लगते हैं और यही का गलती कर जाते हैं जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर की समझ का सहारा लेना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो कहता है ना कि जब आप याकूब 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे, अगर तुम में किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वो बुद्धि मांगे और परमेश्वर जो है बिना उलाहना दिए उसको बुद्धि प्रदान करता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जब परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हमें सही बात जो है वो सीखने को मिलती है। सही बात जो है वो हमें परमेश्वर के वचन से दिखाई देती है। और जब तक हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो फिर तो ये होता है कि हम अपनी बढ़ाई करने में लगे रहते हैं और हमें फिर परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं दिखाई देती। ये ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानिए और पहचानिए। योएल 3:15 में क्या लिखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पुराने नियम से पढ़ा यशाया के बारे में और योएल नबी जो है जो अंत समय के बारे में बताता है कि ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना जो देख रहा है सूर्य जो है कंबल के समान काला हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी जो है यशायाह नबी ने भी और योएल नबी के द्वारा भी परमेश्वर ने की है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के भयानक दिन के आने से पहले और परमेश्वर के उस दूसरे आगमन से पहले, इस दुनिया को नाश करने से पहले परमेश्वर क्या क्या विपत्तियां इस दुनिया पे डालेगा, वो उसका वर्णन दिया गया। अब हम फिर से नए नियम में आते हैं और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं मती 24 अध्याय उसके 29 पद में, अब देखिए मती 24 अध्याय उसके 29 पद को जब पढ़ेंगे तो ये बयान जो है ये किसी नबी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है,
ध्यान दीजिएगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो प्रभुओं का प्रभु है और जो राजाओं का राजा है, जो परम पवित्र परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो आदर्श अदृश्य रूप है, जो प्रकट हुआ यीशु मसीह के रूप में, वो परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर का कथन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो परमेश्वर क्या है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है हमारा, वो क्या कहता है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। देखिए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्रकाशन यूहन्ना को देता, अपना प्रकाशन यूहन्ना को बताता, अपना प्रकाशन यूहन्ना को दिखाता, वो भेद दिखाता, वो घटनाएं दिखाता, यीशु मसीह ने खुद उस बात का वर्णन किया है जो यूहन्ना देख रहा है कि इस पृथ्वी पर कितनी घटित होने वाली है। यीशु मसीह के उस कथन को प्रभु यीशु मसीह अब दिखा रहा है कि अब देख, छठी मोहर जो है वो खुल चुकी है और वो खुल गई है और इसको मैं अब पूरा करने जा रहा हूँ। परंतु पूरा करने से पहले जो है परमेश्वर कुछ और विशेष कार्य करना चाह रहा है। ये आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि वो विशेष कार्य परमेश्वर क्यों करना चाह रहा है, क्यों छठी मोहर को उसने अभी पूरा नहीं किया है। इस विशेष कार्य के बारे में जो है आगे चर्चा करेंगे, परंतु यहां हम बात कर रहे हैं सूर्य के जो है कंबल के समान काला हो जाने की। मरकुस 13:24 में लिखा, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। लूका 21:25 में भी, सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों के को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। देखिए, अब यहां लूका जो है वो बिल्कुल अलग बात कर रहा है। अब वो क्या बात कर रहा है कि सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर और बहुत से तारों में जो है वो चिन्ह दिखाई देंगे और समुद्र जो है वो जो है उसकी गर्जन होगी। क्यों गर्जन होगा? क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो इतना भर जाएगा उसके अंदर कि उसका कोलाहल जो है दूर तक सुनाई देगा। समुद्र के अंदर से जो विपत्तियां निकल के आएंगी, सूर्य के अंदर से जो विपत्तियां निकल के आएंगी, जो मुसीबतें इस दुनिया में आएंगी, वो सब जो है वो दिखाई। अब सोचिए कि अगर सूर्य अंधेरे में चला जाए, सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाए, तो इस पृथ्वी पर जीना कितना दुर्बल हो जाएगा, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, सारा काम ठप हो जाएगा, बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाएगी। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का वचन कहता ना कि 19 मई 1780 में जो सूर्य के बारे में वर्णन किया गया है वो गलत है। सूर्य जो है अंधकार में नहीं हुआ था, परंतु उसी रात 19 मई 1780 में चंद्रमा जो है वो लहू के समान लाल दिखाई दिया, तो लोगों ने ये समझ लिया कि जो चंद्रमा है वो लहू के समान लाल हो गया, तो छठी मोहर पूरी हो गई। देखिए, कभी कदार जब आपने देखा होगा, जब ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, तो चांद को आप देखेगा तो उसका प्रकाश कुछ अजीब सा लगता है, चांद की जो रोशनी है कुछ अलग सी दिखाई देती है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप इसको देखेंगे किस तरीके से है और किस तरीके से इसका वर्णन किया जाता है, आपने देखा होगा। इसलिए ये जो वर्णन है वहाँ पर, चाहे चांद हो चाहे सूरज हो, ये क्या होंगे, ये अपने आप अपना प्रकाश जो है वो देना बंद कर देंगे। आप जब इस बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 19 मई 1780 की जब आप घटना जो लिखित रूप से है, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उस बुक का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सम मेमोरियल्स ऑफ एडवर्ड ली, अमेरिकन ट्रैक सोसाइटी, वॉल्यूम 11 और पेज नंबर जो है 376 पर ये बात लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हैं कि जो बात मैंने 19 मई 1780 की है वो बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है जैसी उस किताब के अंदर है। वो घटना सूर्य कमल के समान काला नहीं हुआ था और चांद भी जो है उसने अपना प्रकाश नहीं छोड़ा था, बस उसका रंग जो था वो उन सब घटनाओं के कारण जो था, जो आग लगने के कारण या कोहरे के कारण या समुंदर के अंदर उठी उथल पुथल के कारण या किसी भी कारण से हुआ था, वो हुआ था, उसका प्रकाश खत्म नहीं हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा ध्यान रखिए, आप बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को दूसरों से भी सुनिए कि वो सही में परमेश्वर के वचन में है या नहीं है। आप खुद उसको पढ़िए, खुद उसको समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा ना हो
कि आपके परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से कहीं कोई आपको दूर ले जाए, परमेश्वर से दूर ले जाए और आपको परमेश्वर के उस रास्ते से दूर ले जाकर खड़ा कर दे उस अंधेरे में जो अंधेरा जो है वो इस पृथ्वी पर आने वाला है। आप उस अंधेरे से बचिए, झूठी शिक्षाओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचिए और परमेश्वर के वचन को उसकी उससे बुद्धि मांगकर उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।